मुझे क्या पता। ओ गाँव जाना कैंसल, प्रेम जी की लड़की ने सब गड़बड़ कर दी। अरे इतना अच्छा रिश्ता आया था पायलट का, वो छोड़ के रिक्शा वाले के साथ भाग गई। कितने अरमान थे मेरे पोते की शादी के, और उसने चीन जाके कोई चाइनीज लड़की के साथ शादी कर ली और वो वहाँ ही रह गया। हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, बच्चों की छोटी उम्र में ही अच्छा खानदान देकर शादी करवा देते थे, ताकि उनके मन में उसी जीवन साथी का ख्याल रहे और कहाँ भी भटके नहीं। चाचा जी तब की बात और थी, लेकिन आज ये बाल विवाह एकदम सही है। आज के जमाने के हालात देखकर तो लगता है कि ये बाल विवाह की प्रथा एकदम सही थी। मम्मी रोटी लाती हूँ। बापूजी, अरे बापूजी, आपने अभी तक ये रोटी खत्म नहीं की, आज खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं नहीं बना। अच्छा मैं दूसरा बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बहू, अच्छा बना है। टापू टापू आया। बाय दादाजी, बाय मम्मी। अरे अरे टापू, अरे खाना तो पूरा करके जा, हाथ धो के जा, पानी तो पी के जा। अरे कुछ मानता ही नहीं है लड़का, पता नहीं बड़ा होके क्या करेगा। अब मुझे देखो ने, कितने अरमान थे मेरे पोते की शादी के, जिंदगी में वही एक आखिरी सुख था, वो भी नसीब नहीं हुआ। हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, बच्चों की छोटी उम्र में ही अच्छा खानदान देकर शादी करवा देते थे। आज के जमाने के हालात देखकर तो लगता है कि ये बाल विवाह की प्रथा एकदम सही थी। सही थी, सही थी, सही थी, सही थी। ये टप्पू बड़ा होगा तब क्या होगा, जेठा को तो दुकान से ही फुर्सत नहीं मिलती, और दया बहू बिचारी भोली है, और टप्पू एक नंबर का जिद्दी। वो जेठा की बात मानेगा नहीं, और टप्पू मेरे सिवाय किसी से डरता भी तो नहीं। अगर टप्पू ने अपनी मर्जी से बिना सोचे समझे शादी कर ली और आने वाली टप्पू की बहू ठीक नहीं निकली तो, और उस वक्त मैं नहीं रहा तो, उससे अच्छा है मैं मेरे जीते जी टप्पू की शादी कर देता हूँ। अच्छी लड़की अच्छा खानदान देखकर मैं अपने हाथों से टप्पू की शादी करवाऊंगा। हाँ मैं खुद टप्पू की शादी करवाऊंगा। अरे टप्पू टीवी बंद करना बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। दो मिनट मम्मी। अरे दो दो मिनट कटे कटे रोज स्कूल देरी से पहुंचता है, वापस टीचर डांटेगी। अरे मम्मी अब टीचर नहीं डांटती। सच? हाँ अब टीचर भी कहती है क्या रोज रोज डांटना, मैं तो थक गई हूँ, जो करना है वो करो। अरे बेटा पढ़ने में ध्यान दे, तुम्हारे दादाजी और पापा क्या कहते हैं, पढ़ेगा तो बड़े आदमी बनेगा। तू सुनता है कि नहीं? चलो टीवी बंद करो, बंद करो, चलो चल चल। अरे टाइम हो गया। अरे टपुड़ा टपुड़ा ये ले 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 ले, प्रसाद खा कर जा जल्दी बापूजी। बाय दादाजी। आओ जे आओ जे। मेरा टपुड़ा, सोचता हूँ जेठा और बहू से बात कर ही लूँ। झूठ बोल रहा है, टीचर तो डांटेगी ना, मेरे सामने क्या कुछ झूठ। हाँ बापूजी। जेठा को बुला,
मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। बापूजी वो तो कप के दुकान गए, क्या था बापूजी? वो बापूजी आपको एसटीडीटी हुई है क्या? हाँ, मेरे पिताजी को भी एसटीडीटी हुई थी, फिर ताबड़तोब डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। अरे नहीं बहू, मुझे वो कुछ एसटीडीटी नहीं हुई है। अरे मुझे कुछ बात करनी है बहू। मेरी इच्छा है कि मैं टप्पू की शादी करवा दूँ। हाँ। बापूजी जरा फिर से कहिए तो। मैं टप्पू की शादी करवा दूँ। क्या इस उम्र में? हाँ। हे माँ, माताजी, बापूजी डॉक्टर ने आपको क्या कहा? डॉक्टर ने? हाँ, मेरी जुबान जल जाए फिर भी पूछती हूँ, आपको कोई बीमारी हुई है ना? बीमारी? हाँ बताइए ना, क्या बीमारी हुई है? अरे बहू मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं घोड़े जैसा तंदुरुस्त हूँ। लगता है दिमाग पर असर हो गई है, अपने आप को घोड़ा कहते हैं। बापूजी आपको मेरी कसम, सच सच बताना, मेरी माँ के सिवा किसी को नहीं बताऊंगी। अरे बहू तेरी कसम मुझे कुछ नहीं हुआ है। बापूजी को जरूर कुछ हुआ है, ऐसे नहीं बताएंगे, चालाकी से पूछती हूँ। बापूजी आज कौन सा वार है? सोमवार। हमारी सोसाइटी का नाम क्या है? ठोकुरधाम। ओहो हे भगवान, मैंने कहाँ इससे बात की। अरे बहू तो क्यों साबित करना चाहती है कि मुझे कुछ हुआ है? हाय हाय बापूजी, मैं तो चाहती हूँ कि आपको कुछ ना हो, आप 250 साल जिए। अबे रेवा देने, ये जमाने में इसे आशीर्वाद नहीं श्राप कहते हैं, श्राप। वो सब छोड़, हमें टप्पू की शादी की तैयारियाँ शुरू करनी है, समझी? ये बापूजी को अचानक क्या हो गया है? जीठा भाई डिलीवरी कब तक भेज रहे हैं? देखिए गला सेट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपका 200 LCD टीवी का ऑर्डर है तो कल क्या कल डिलीवरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन में मैं डिलीवरी कर दूंगा। तो ठीक है, परसों तक मैं आधा पेमेंट करवा देता हूँ और आधा डिलीवरी के बाद चलेगा। अरे सेठ जी पैसे की आप क्यों चिंता करते हैं, आपके पैसे कहाँ जाने वाले है, डिलीवरी के बाद दे दीजिएगा। ये लीजिए आपका बिल। ये भी ठीक है, तो पूरा को पूरा पेमेंट मैं डिलीवरी के बाद पहुंचा देता हूँ। बराबर है ना सेठ जी? आइए मैं आपको दरवाजे तक। नाटू काका आपने बहुत सेवा की गाला सेठ की, थोड़ा मौका मुझे भी दीजिए। आइए 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 गाला सेठ, आइए। वैसे डिलीवरी के बाद तो पेमेंट तुरंत आप कर ही देंगे। हाँ हाँ। लट्टू काका क्या करूं मैं आपका, क्या जरूरत थी काला सेठ को ये बोलने की, क्या जरूरत थी डिलीवरी के बाद पेमेंट देना, चलेगा? अरे लेकिन सेठ जी काला सेठ कहाँ पर आए हैं, हम तो उन्हें जानते हैं सालों से, उनके पैसे कहाँ जाने वाले हैं? मुझे पता है, लेकिन आती हुई लक्ष्मी को क्यों ठुकराया आपने? सेठ जी लक्ष्मी को ठुकराया कहाँ है, थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी जी आ जाएंगी। लेकिन सेठ जी आज भगवान का चमत्कार मानना पड़ेगा, हाँ एक साथ 200 LCD टीवी का ऑर्डर मिल गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ सेठ जी, आप खुश नहीं है? खुश तो मैं भी हूँ। मत होइए खुश। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जब जब खुशी आती है ना, तो उसके पीछे प्री गिफ्ट की तरह टेंशन भी आ जाता है। और सेठ जी मजे की बात तो यह है कि जितनी बड़ी खुशी उतना बड़ा टेंशन। हेलो हेलो टप्पू के पापा, अब जल्दी घर पर आ जाइए। क्यों क्या हुआ? अब सवाल मत कीजिए, अब जल्दी घर पर आ जाइए टप्पू। क्या हुआ टप्पू को? अरे नहीं नहीं टप्पू को कुछ नहीं हुआ है, बस अब जल्दी घर पर आ जाइए, अब सवाल करके समय मत बिगाड़िए, जल्दी घर पर आ जाइए जल्दी। दया दया, ये भगवान ये दया कभी पूरी बात नहीं करती, पता नहीं क्या हुआ होगा घर पे। क्या हुआ सेठ जी, आपको घर जाना पड़ेगा? हाँ। कोई टेंशन की बात? पता नहीं शायद। देखा मैंने आपको अभी कहा था ना, देखा मेरे अनुभव का कमाल।
आप जल्दी घर जाइए। ठीक है नटू काका, तब तक आप जरा दुकान। अरे दुकान तो मैं रोज संभालता हूँ ना, मेरे सिवा दुकान कौन संभालता है। जाइए। चलो जेठा भाई एक मिनट, क्या हुआ आज इतनी जल्दी दुकान से? हाँ दुकान में इनकम टैक्स रेट बढ़ गया क्या? क्या भाई क्या बोल रहा है तू? सोडा पियेंगे? पी लो ना, सुबह से बोनी भी नहीं हुआ है। अच्छा तू डॉक्टर नहीं बना, वरना बोलता एक आध ऑपरेशन तो करवा लो, सुबह से बोनी नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप भी, लेकिन मेरी बात बाद में। ए भगवान पता नहीं क्या हुआ होगा, अरे इतना टेंशन तो मैं दया के घर पे बारात लेके गया था तभी भी नहीं हुआ था। दया बिना कभी फोन पे कुछ बताती नहीं है पूरी। ओ सत श्री अकाल जेठालाल। हाँ सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ओ सुन तो सही ना यार, वो जो तेरी दुकान से एलसीडी लिया था ना यार, उसमें कलर ही नहीं आ रहा है। अच्छा तो ब्लैक एंड व्हाइट एलसीडी लिया होगा। ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ। अच्छा चलो। ओए रुक यार, बड़ा होशियार हो गया। जब एलसीडी लेना था तो दिन में तीन तीन बार बात करता था, अब प्रॉब्लम है तो रूबरू बात भी नहीं कर रहा है, भागे जा रहा है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है छोटी, क्या है मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं कौन सा देरी में हूँ यार, जल्दी तो मुझे भी है। अरे तो निकलो निकलो। ठीक है। ओए रुक यार, तेरे एलसीडी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, उसमें कोई पिक्चर ठीक से ही नहीं आ रही है, डीवीडी लगाओ तो कलर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है वो अपना केबल का प्रॉब्लम होगा, और तेरा डीवीडी के लिए मैं काम करता हूँ, वो नया कोड वायर है ना वो लाके देता हूँ। ठीक है? कब लाके देगा? आज 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 लाके दूंगा। ठीक है चल। ओए रुक यार, आ तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही है, पेट में कुछ गड़बड़ है? नहीं गड़बड़ मेरे पेट में नहीं है, गड़बड़ मेरी लाइफ में है। यार लाइफ में तो मेरी भी गड़बड़ है, वो जो रोड डिपार्टमेंट है ना उनका नोटिस आ गया, मेरा गैराज ना रोड के ऊपर है, वो कह रहे हैं रोड चोरी करनी है। हमारी कोई जानकारी है रोड डिपार्टमेंट में? देखो छोटी अभी मुझे जाने दो, वरना ये न्यूज बहुत अजीब लगेगी कि 5 फुट 5 इंच के जेठालाल ने 6 फुट 6 इंच के छोटी को परेशान होकर बहुत पीटा। बाकी यार बड़ी अजीब लगेगी। अजीब लगे। वे, क्या बोल गया? ओए जेठालाल रुक। बापूजी आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाने वाली हूँ, बासुंदी पूरी खमर ढोकला कढ़ी और रात को ऊंधियू रोटला छाछ और कल। अरे बहू अभी इस उम्र में इतना खाना खाऊंगा तो मर जाऊंगा। माताजी बापूजी शुभ शुभ बोलिए, आपको मेरी उम्र लग जाए। बापूजी अब तो बता ही दीजिए डॉक्टर ने आपको क्या कहा? मैंने टप्पू के पापा को फोन किया है, वो बस आते ही होंगे। अरे बहू मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आप टप्पू की शादी की बात? वो इसलिए क्योंकि मुझे टप्पू की बहुत चिंता हो रही है। टप्पू की चिंता? मैं कुछ समझी नहीं बापूजी। बहू ये टप्पू दिन ब दिन जिद्दी होते जा रहा है, तेरी बात सुनता नहीं है, और जेठा को तो दुकान से वक्त ही नहीं मिलता। तो उसमें क्या, आप हो ना उसका ध्यान रखने वाले। इसी बस बहू इसी बात की तो मुझे चिंता है। अरे मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं। हे माँ माता जी बापू जी ये आप क्या बोल रहे हो? अरे बहू मैं सही बोल रहा हूँ, मैं जी जी के कितना जीऊंगा, और मेरे बाद टप्पू का क्या होगा? देखा नहीं तूने, वो प्रेम जी की लड़की शादी के 5 दिन पहले भाग गई। बहू मुझे चिंता है कि अगर टप्पू ने किसी गलत लड़की के साथ शादी कर ली तो टप्पू का क्या होगा, और उस लड़की ने अगर तुझे और जेठा को तकलीफ दी तो तुम दोनों का क्या होगा। इसलिए बहू मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी टप्पू की शादी एक अच्छे खानदान की लड़की के साथ हो जाए। जी, आपकी इच्छा पूरी होगी, जरूर पूरी होगी, और साथ में मेरी इच्छा भी पूरी होगी सास बनने की। दया बाबूजी बोल क्यों बुलाया जल्दी, कितनी बार बोला दया को कि फोन पे आधी आधी बात मत कर, पूरी बात बताया कर। अरे बोल अभी क्यों बुलाया इतनी जल्दी, मुझे वापस दुकान भी जाना है, बोलना जल्दी। बापूजी आप बता रहे हैं कि मैं बताऊं? ठीक है तू ही बता दे।
नहीं बापूजी, आप बड़े हैं तो आप ही बता दीजिए ना। अरे नहीं बहू, मैंने कहा ना तू ही बता दे। नहीं नहीं बापूजी, आपके मुंह से अच्छा लगेगा, आप ही बोल दीजिए। बहू तू ही बता दे। अरे बता ना भाई, ये क्या तू कैच कैच खेल रही है? बापूजी आप ही बता दीजिए, वरना ये खेल समझ के शाम तक आप ही बताइए खेलती रहेगी। अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ बस। बापूजी मैं बता रही हूँ। टपू। क्या किया टपू ने? नहीं नहीं किया कुछ नहीं है, पर अब करने वाला है। अरे वाह, अब ये नौबत आ गई है कि अभी टप्पू बोल के खुल्लम खुल्ला शरारत कर रहे हैं। अरे शरारत नहीं, हमारा टप्पू अब घोड़े पर चढ़ेगा। मतलब बापूजी चाहते हैं कि टप्पू की शादी हो जाए। बस इतना। टप्पू की शादी? मतलब बापूजी की यही इच्छा है, और अब तो मेरी भी यही इच्छा है कि टप्पू शादी करके ठरी ठाम हो जाए। दया तेरे में अक्कल है। अरे तू क्या बापूजी की हाँ में हाँ मिला रही है? बापूजी आपको क्या अचानक, मतलब ये टप्पू के बापूजी, टप्पू अभी छोटा है। अरे माँ बाप को अपने बच्चे छोटे ही लगते हैं। अरे लेकिन बापूजी ये बाल विवाह है, और आज के जमाने में बाल विवाह एक गुनाह है। देख जेठिया, मैं तुझे बोल देता हूँ, टप्पू बड़ा होकर किसी भी लड़की के साथ शादी कर ले, उससे पहले मैं अपने जीते जी टप्पू की शादी अच्छे खानदान में करवाना चाहता हूँ। बापूजी। अरे क्या बापूजी, बापूजी बापूजी बराबर बोल रहे हैं। हाँ बोल दो ना। बापूजी सॉरी, ये शादी नहीं हो सकती। यहाँ किसी ने तेरी राय जानने नहीं बुलाया है? हाँ। तुझे बताने के लिए बुलाया है कि मैं टप्पू की शादी करवा रहा हूँ। तेरी शादी के वक्त तुझे पूछा था जो पूछूंगा? बापूजी मुझे पूछना तो चाहिए ना, मैं टप्पू का बाप हूँ। और बापूजी आपके बाप है? टप्पू की शादी होगी मतलब होगी। बापूजी जा दुकान जा। गजब हो गया। चंपक लाल के मुंह से शाही फरमान निकल चुका। कमान से निकला हुआ तीर वापस आ सकता है, पर चंपक लाल के शाही फरमान को वापस मोड़ना नामुमकिन है। जो कोई सोच न सके वह चंपक लाल ने करने की ठान ली है छोटे से टप्पू की शादी। जेठालाल छोटी सी बात पे भी चंपक लाल को समझा नहीं सकते, तो चंपक लाल के इस तूफानी फैसले पे वे चंपक लाल को रोक पाएंगे? नहीं ना। पर इस बार मसला ऐसा है कि जेठालाल चुप भी नहीं रह सकते, और चंपक लाल की जिद तो आप जानते ही है, फिर क्या होगा? हंगामा ही होगा। आपकी तरह मुझे भी व्याकुलता हो रही है, फिर तो देखना ही पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।